बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस की वजह से हमारी मामूलात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। अय्याम अज़ा जो बहुत करीब हैं, इसकी मामूलात भी हमारे लिए हर साल की तरह नहीं होंगी। हम जानते हैं कि मजालिस का इनेकाद मुख्तलिफ मकामात पर किया जा रहा है और इसमें बहुत सारे मोमिनीन शिरकत भी कर रहे हैं, लेकिन वो ख़वातीन जिनके बच्चे छोटे हैं और वो उनको लेकर मजालिस में नहीं जा सकती, तो वो उस आज़ादारी की जो रूह है उससे अपने बच्चों को महरूम भी नहीं रखना चाहेंगी। जो उसका एक कल्चर है, जो आदाब आज़ादारी बच्चे इमाम बारगाहों में जाकर सीखते हैं, उससे भी नहीं महरूम रखना चाहते। दूसरी जानिब जो ख़वातीन मजालिस पढ़ती हैं, जिस तरह मैं ख़ुद भी पढ़ती हूँ, हमारे लिए इस दफ़ा माह मुहर्रम बहुत मुख्तलिफ है। गरचे आज़ादारी के फ़राइज़ तो अंजाम दिए जा रहे हैं, मैं ज़रूर मजालिस पढ़ूँगी, ऑनलाइन मजलिस पढ़ रही हूँ मुख्तलिफ जगहों पर। मेरा पहला अशरा और उसके बाद सिलसिला होगा कुवैत में है, बहरीन में है, US में है, युगांडा में है, सिंगापुर में है, तो ये मजालिस भी मुझे पढ़नी है। और मैं नहीं चाहती कि बींग आलिमा में एक मामूली सी अपनी एफर्ट डालूँ, बल्कि एक अज़ा खाने से जिस तरह एक साहिब मिंबर पूरी रूह के साथ एक मजलिस को पढ़ता है, उसी तरह आज़ादारों तक उस मजलिस को पढ़ा जाए। तो बतौर माँ और बतौर आलिमा ये जो फ़र्क हमारी ज़िंदगी में आया है, मैं चाहती हूँ कि इसको हम लोग कवर करें, इस फ़र्क को हम जितना कम कर सकते हैं करने की कोशिश करें। और उसके लिए मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, वो ये कि मेरे साथ मेरे तीनों बच्चे हैं जो मजालिस में नहीं जा सकते, और मैं चाहती हूँ कि इनके पास मजलिस सुनने का, आज़ादारी के आदाब का सारा वो सिलसिला वैसा ही हो जैसे हम तक मुंतकिल हुआ है। तो ये मेरे घर का ड्राइंग रूम है, जहाँ पर अय्याम अज़ा में मेहमानदारी तो नहीं होगी, तो हम इस ड्राइंग रूम को इंशाल्लाह तब्दील करेंगे एक अज़ा खाने में, एक इमाम बारगाह में, जहाँ बैठकर हम मजलिस सुनेंगे भी। बतौर माँ मैं इनकी तरबियत भी करूँगी कि किस तरह से हमें बैठकर तमाम आदाब के साथ और तहजीब अज़ा के साथ एक मजलिस को अटेंड करना है। और बींग आलिमा भी जितनी भी मजालिस मुझे पढ़नी हैं, पांच अशरे जो मुझे पढ़ने, वो मैं इसी अज़ा खाने से अपने घर के इस गोशे से इंशाल्लाह उनको भी पढ़ूंगी। बतौर माँ और बतौर आलिमा ये जो एक छोटी सी काविश है कि मैं अपने घर के गोशे को ड्राइंग रूम से या मेहमान खाने से एक अज़ा खाने में तब्दील करूँ, इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाएँगे, जिसमें मैं अपने बच्चों को भी चाहूँगी कि वो मेरे साथ इसमें मदद करें। और आप भी अगर माँ हैं तो इसको फॉलो करें, और जितनी भी आलिमात जो मजालिस पढ़ती हैं उनके लिए भी ये एक मिसाल होगी कि वो इस तरह से अपने घर को भी अज़ा खाने में बदल कर अज़ादारों तक पूरी हयात के साथ अज़ादारी को पहुँचाएँ।